नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या आप भी अपने ब्रेन की इवॉल्व होने में मदद करवा रहे हैं, मतलब टाइम के साथ साथ नई स्किल सीख रहे हैं? आज YouTube और इंटरनेट पर काफी चीजें अवेलेबल हैं जहां से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज करने के फायदे तो सबको पता है, लेकिन एक्सरसाइज से केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होती बल्कि ब्रेन भी पावरफुल बनता है। ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है और ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। लेजी लोगों का दिमाग उनकी तरह ही सुस्त हो जाता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन्हें लगता है एक्सरसाइज सिर्फ जिम में ही होती है और उनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 15 मिनट अगर वॉक भी करेंगे तो भी बहुत फायदा मिलेगा। थोड़े से पुशअप्स और सिटअप्स भी कर लें तो आपकी बॉडी भी टोन्ड हो जाएगी और ब्रेन पावर भी बहुत बढ़ जाएगी। तो आज से ही एक्सरसाइज करने की आदत डाल लीजिए। वायरिंग, हर दिमाग अलग होता है। दोस्तों, बचपन से ही सब हमें यही बताते आए हैं कि सबका ब्रेन एक जैसा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका ब्रेन अलग तरह से वायर्ड होता है। वायरिंग का मतलब है ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट हर ब्रेन में अलग होती है, इसलिए हर ब्रेन अलग तरह से काम करता है। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी कहा है कि देखो उस रिश्तेदार के बेटे के मैथ्स या अन्य सब्जेक्ट में कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आते? किसी न किसी बच्चे को तो ऐसा कहा ही जाता है, लेकिन यही लोगों की गलत सोच है। हो सकता है आपका दिमाग मैथ्स के लिए न बना हो, आपका ब्रेन बिजनेस के लिए बना हो, यूट्यूबर बनने के लिए बना हो, एक्टर बनने के लिए बना हो या कोई खिलाड़ी बनने के लिए बना हो, क्योंकि आपके ब्रेन की वायरिंग उस रिश्तेदार के बच्चे से अलग तरह की होगी। इसलिए आपने देखा क्यों ऐसी किताबें पढ़ना जरूरी है। अदरवाइज सारी सोसाइटी की सोच वही दकियानुसी विचारों वाली रहेगी। एनीवेज, हमें अपनी ब्रेन की पावर खुद पहचाननी होगी कि वो किस चीज के लिए बना है, फिर उस टैलेंट पर लगकर काम करना चाहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इससे बच्चे के आत्मविश्वास में कमी आती है, उसमें हीन भावना घर कर जाती है, फिर वो अपनी खूबी को भी निखार नहीं पाता और लाइफ में दूसरों से पीछे रह सकता है। इसके बजाय आपको उसकी खूबियों की पहचान करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए और बच्चे का कैरियर उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। अटेंशन, ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। दोस्तों, बोरिंग चीजें किसे अच्छी लगती हैं? फिर वो चाहे बोरिंग मूवी हो या किसी ऐसे टीचर का लेक्चर। आपने खुद देखा होगा कुछ टीचर कितना बेकार पढ़ाते हैं और बोर कर देते हैं। उनका लेक्चर सुनकर स्टूडेंट्स को नींद आने लगती है, न तो उनके लेक्चर में एनर्जी होती है न कुछ नयापन। अगर आप ऐसे टीचर हैं तो अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ नयापन लाइए। किताब से उठाकर जैसे का तैसे मत बोल दीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। इंटरनेट और यूट्यूब पर सीखिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नए और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लाइए, रोचक कहानियों ढूंढिए, बच्चों को मोटिवेट करिए, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे और बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ चीजों को ब्रेन सिर्फ थोड़े समय के लिए याद रख पाता है। दोस्तों, जो चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती उनके लिए हमारी मेमोरी केवल शॉर्ट टर्म होती है। जैसे क्लास के लेक्चर का एग्जाम्पल फिर से ले सकते हैं। अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका ब्रेन उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए याद रखता है, 1-2 घंटे बाद उसे भुला देता है। लेकिन अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो याद तो रखना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो। इसके लिए ट्रिक है, रिपीट करने की ट्रिक। आप अपने टॉपिक को 5 बार रिपीट करिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, 15 दिन में और 1 महीने बाद। इतना करने पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में बदल जाएगी, आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे और आप चीजों को देर तक याद रखने लगेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम आने पर ही किताब खोलते हैं, तो अब इस आदत को बदल दीजिए। 15 मिनट ही सही टॉपिक का रिवीजन जरूर कीजिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी,
कुछ चीजों को ब्रेन लंबे समय तक याद रख सकता है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा खुशी या गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन को देर तक याद रहती है। यही कारण है कि दोस्तों के साथ ट्रिप हमें कभी नहीं भूलती। अगर कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ हो तो वो भी कभी नहीं भूलता। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाकर समझने या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। स्लीप, अच्छी नींद ब्रेन को हेल्थी रखती है। ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील करती है। ब्रेन भी दिन भर की बुरे विचारों और दूसरे कचरे को साफ करता है। आपने देखा भी होगा, किसी से झगड़ा होने पर आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब आप अगले दिन सोकर उठते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि नींद के दौरान ब्रेन आपके बुरे विचारों को साफ कर देता है। हर दिन हमारे ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स भी मरते रहते हैं। सोते समय ब्रेन इन न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक से काम कर पाता है। जो लोग लेट सोते हैं या ठीक से नींद नहीं लेते, उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी होने लगता है। डिमेंशिया, याददाश्त की कमी और हलूसिनेशन, चीजें दिखना भी हो सकते हैं। वे गुस्सैल और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इसलिए 7-8 घंटे की नींद जरूर लें। आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे बहुत से न्यूरॉन्स जल्दी मरने लगते हैं। इससे मेमोरी और इंटेलिजेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर का स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाएंगे तो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे, और वाइस वर्सा भी ऐसा ही होगा। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए, खुश रहें और खुश रखें। आखिर इंसान की लाइफ बहुत छोटी होती है। योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते रहिए। सेंसरी इंटीग्रेशन, सभी 5 सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां सेंस ऑर्गन्स होती है। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी 5 सेंस ऑर्गन्स को तेज कर लेना चाहिए। सेंस ऑफ स्मेल, हमारी स्मेल पावर बढ़ाने के लिए फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। पहली बारिश के वक्त मिट्टी की सोंधी खुशबू किसके ब्रेन को सुकून नहीं देती। वैसे ही चाय, कहवा या चॉकलेट की स्मेल भी तरोताजा कर देती है। सेंस ऑफ साउंड, म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलैक्स फील करता है और स्ट्रेस दूर होता है। लेकिन क्वालिटी म्यूजिक ऐसा करता है ना कि आजकल मशीनों से बनाया हुआ शोर करने वाला इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, मोजार्ट और बेथोवन का म्यूजिक सच में ब्रेन को हील कर सकता है। ये आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी पसंद का म्यूजिक कुछ देर के लिए रोज सुने। सेंस ऑफ टच, जैसे माँ का स्पर्श पल भर में ही आपको खुशी से भर देता है, आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को गोदी में उठाने पर भी प्यार और आनंद की अनुभूति होती है। लव्ड वन को हग करना भी ब्रेन को हैप्पीनेस और ब्लिस से भर देता है। तो ब्रेन पावर को बढ़ने के लिए सभी इंद्रियों को तरह तरह से तरोताजा करते रहना चाहिए। इंद्रियां भी खुश और ब्रेन भी खुश। विजन, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। सभी ध्यान इंद्रियों में सबसे ज्यादा याद रखने में सहायता करती है। दृष्टि या सेंस ऑफ साइट, हम देखी हुई चीज को ज्यादा याद रख पाते हैं बजाय सुनी हुई चीज के। आप अपनी क्लास के बच्चों के चेहरों को याद रख पाते हो, लेकिन उनके नाम शायद आप भूल जाएं। कुछ साल उनसे न मिले तो नाम तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, लेकिन चेहरे नहीं। ऐसे ही किसी स्टोरी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस पर फिल्म बन जाए तो उसका एक एक सीन आपको याद रहता है। सोचिए, अगर मैथ्स का टीचर अगर बोलकर ही आपको क्वेश्चन समझाए तो क्या किसी को समझ आ पाएगा? जब टीचर बोर्ड पर लिखकर समझाता है और आप उसे देख पाते हैं, तभी आपको समझ आता है। इसलिए आप भी हो सके तो टफ चीजों को देखकर समझने की कोशिश करें। जैसे अपने गोल को कॉपी में लिखकर देखें, आपको अपना उद्देश्य ज्यादा समझ आएगा। जेंडर, मेल और फीमेल का ब्रेन बहुत अलग होता है।
एक एक्सपेरिमेंट में पुरुष और महिलाओं को हॉरर फिल्म दिखाई गई। मेलेस में दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा, जबकि फीमेल में लेफ्ट वाला हिस्सा एक्टिव हुआ। इसका मतलब है मर्द और औरत अलग अलग तरीके से इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। प्यूबर्टी, किशोरावस्था आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग बिहेवियर दिखाई देते हैं। लड़के एंटी सोशल हो जाते हैं, गुस्सेल और तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, जबकि लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं, जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती हैं या रोने भी लगती हैं। इसलिए साइकोलॉजी को समझकर ही बर्ताव करना चाहिए। एक्सप्लोरेशन ब्रेन एक्सप्लोर करने यानी खोजबीन करने के लिए बना है। ह्यूमन का ब्रेन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। बचपन में हमारे ब्रेन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, हम बहुत से सवाल पूछते हैं और उनके जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल और कॉलेज वाले हमारी क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। वो हम पर पका पकाया सिलेबस और ध्यान थोप देते हैं। एग्जाम के नाम पर हम टॉपिक्स को रट्टा मारने लगते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी की कोई कदर नहीं करता। कोई स्टूडेंट खुद की पोएम्स या स्टोरीज भी तो लिख सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसा सिलेबस में नहीं है, कोई हमारी पोएम नहीं पढ़ना चाहता। इसके अलावा सोसाइटी तरह तरह के डर हमारे अंदर बिठा देती है। ये मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बच्चा अपना कुछ नया सोच ही नहीं सकता। इस सब से हमारा ब्रेन संकुचित होकर रह जाता है, हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। हम कुछ भी एक्सप्लोर करने से डरते हैं और हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। लेकिन जिन लोगों में ये क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की क्वालिटी बची रह जाती है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट, ट्रैवलर, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर आदि बन जाते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम जस्ट क्यूरियस। मतलब मैं जीनियस इसीलिए बन पाया क्योंकि मैं चीजों के रहस्य को जानने का बहुत इच्छुक रहता हूं। तो दोस्तों, आप भी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए। एक दिन आप उसका जवाब खुद ढूंढ लेंगे। या दूसरे शब्दों में कहें तो दोस्तों, अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।